सो गाइस, सुबह हो गई है। कल रात को, जैसा कि आप जानते हो कि अभी इस टाइम जयपुर में राइड्स चल रहे हैं, जैसा कि आज की डेट है 16 अगस्त, तो अभी जयपुर में राइड्स चल रहे हैं इस टाइम, इसलिए हम सुबह नहार कर नहीं जा पाए। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ चाय और कुछ रिफ्रेशमेंट लेने। राजस्थान के पोहे बहुत फेमस हैं, तो अभी हम चाय लेंगे, उसके बाद पोहे लेंगे और फिर मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम उदयपुर के लिए निकल लें। तो मोस्ट प्रोबेबली कितने 10 या 11 बजे। और किसी ने हमें बताया था यहाँ पे आंटी का बहुत फेमस पोहा भंडार है। तो हम वहाँ पर आए अभी बाइक से थोड़ी दूर, हमारे होटल से काफ़ी दूर था। आज हम चेक करेंगे, आपको बताएंगे और बताएंगे पोहा कैसा। चलिए मिलते गाइस, अभी हम पोहा खाने आए हैं। ये दुकान का नाम है A1 पोहा सेंटर। भाई आपका नाम? जी मेरा नाम कमलेश कुमार सैनी है। कमलेश कुमार सैनी इनका नाम। और ये पोहे की क्या रेट है यहाँ पे? पोहे की 10 रुपये प्लेट है, और ये 15 वाली है 20 वाली। 10-15-20 रुपये में आप सुबह का नाश्ता खा सकते हैं राजस्थान में, विच इज़ क्वाइट बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। कितने टाइम से लगा रहे हैं भैया आप यहाँ पे? मुझे 2 साल हो गए। दो साल हो गए। तो ये आपका जब हम अभी आए थे तो ये स्टेशन के पास है इनकी ये जो ठेला है, तो प्लीज़ यहाँ पर हम भी टेस्ट करेंगे और अपना रिएक्शन देंगे कैसा इनका पोहा है। तो चलिए भैया 3 प्लेट लगा दें। जी सर। क्या स्पेशल है भैया आपके पोहा का? टेस्टी है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट है जी। सबसे अलग क्या है जो हम आपके पास ही है? सबसे अलग यहाँ पे नमकीन है, हमारी पोहे हैं। नमकीन आप खुद बनाते हैं? जी नहीं। अच्छा, बाहर से लाते हैं। बाहर से। सो गाइस, अब हमारा पोहा ऑलमोस्ट रेडी है और आप सब हम टेस्ट करने वाले हैं। और मिस्टर बारनी, बताइए और आपको क्या क्या पसंद है? मुझे यहाँ की ऑनियन पेटीज अच्छी लगी। अच्छा, कब खाई आपने वैसे? अभी जस्ट एक बाइट मारी है मैंने। बहुत बड़े वाले हम इनके वेट कर रहे थे कि बेचारे ने कुछ खाया नहीं, उन्होंने ऑनियन पेटीज खा ली है। मैंने 10 मिनट से कुछ नहीं खाया। बारनी, कुछ बताइए इस पोहे के बारे में कैसा है? अच्छा, कुछ तो डिफरेंट है। डिफरेंट है, उन्होंने बताया जैसे नमकीन वगैरह खुद घर पे बनाते हैं तो उसका टेस्ट आपको अलग से ही आएगा। तो प्लीज़, ये है शॉप का नाम A1 पोहा, तो प्लीज़ इनके शॉप में आए और अब मैं भी टेस्ट करके बताऊंगा कैसा मुझे कैसा लगा। अच्छा, सो गाइस, अब हमने यहाँ जयपुर से अब हम निकलने वाले हैं और अभी तक हमने 0 पे स्टार्ट करा था और आप अब देख सकते हो कि हमने 287 किलोमीटर्स कवर कर लिया। अब हम जयपुर से निकलने वाले हैं और अब गाइस हम अजमेर में जाएंगे और अजमेर पे ही ख़त्म करना है कि पुष्कर भी जाएंगे। तो अब अजमेर और पुष्कर जाके अब आपसे बात करते हैं। बाय। जयपुर के पेट्रोल पंप पर हैं और यहाँ से मैं जब भी यहाँ जयपुर आता हूँ तो मैं यहीं से पेट्रोल डलवाता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो हमारा स्टाफ है यहाँ पेट्रोल पंप का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही केयरिंग है। ये यहाँ पे बताते भी कि जयपुर में क्या क्या है, तो आप लोग भाई लोग बताइए यहाँ पर जयपुर में क्या क्या कल्चर है, क्या क्या है। जयपुर में बढ़िया ताजमहल है, वो हवा महल है, बढ़िया आमेर किला है, तारगढ़ है, मंदिर है यहाँ पे, क्या नाम है, जयपुर में अभी कुछ धारा 144 लगी हुई है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वो कावड़ यात्रा लेके आ रहे थे, उनके ऊपर मुसलमानों ने पथराव कर दिया था। हमारा वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था जब नेट बंद कर रहा था। जयपुर तो हम जानते हैं एकता के लिए फेमस है, हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं। तो अब आई होप करूँगा कि जयपुर में अब लोग शांति बना के रखेंगे और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं, तो आप लोग उनकी अच्छे से केयर करें, क्योंकि मैं तो जब भी आता हूँ वहाँ पे यहाँ से पेट्रोल ले जाता हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गाइस, वेलकम टू राजस्थान। ये जेंसी सड़क पर कूद चल रहा है। तो गाइस, अभी हम जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहे थे तो हमें बाबा मिले हैं। बाबा बता रहे थे ये कोई रामदेव बाबा हैं, जो कि योगा वाले नहीं है, दूसरे बाबा हैं उनका, ये जैसलमेर में है। और बाबा, आप जयपुर से पैदल आ रहे हो यहाँ पर? जयपुर से ये पैदल आ रहे हैं, सोच लीजिए कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैवल है और ये पैदल कर रहे हैं, तो ऐसे जज्बे को सलाम है। ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है और राजस्थान में हो सकता है, तो इस पावन भूमि को सलाम है। और ये बाबा का पद चिन्ह है। बाबा, आपका नाम क्या है?
छोटू जी नाम है इनका पापा का। 65 ईयर्स के 500 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे ऐसे ही। सोचिए कितनी बड़ी बात है, हम बाइक से जा रहे हैं तो हम थक जाते हैं, पापा पैदल जा रहे हैं। तो पापा सलाम आपको, आपका आशीर्वाद। हम जयपुर से चले हैं और अब पुष्कर आ चुका, पुष्कर कह रहा हूँ कि अजमेर आया है। अभी राइड करके हालत ख़राब हो गई है, पर आप जैसा देख सकते हैं ये बीच में एक लेक पड़ी है अजमेर में, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। और ये लेक तो कम लग रही है मेरे को, शब्द रास्ता जो ओशन ज़्यादा लग रहा है, ऐसी लेक मैंने तो नहीं देखी अपनी लाइफ में। आइए आपको थोड़ा डीप व्यू दिखाते हैं। आई थिंक यहाँ की कोई टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारी व्यू है। देखिए यहाँ पर लेक काफ़ी और हवा भी बहुत है, बारिश भी बहुत है, हमें कई जगह सब लेनी पड़ी। और वहाँ पे स्टीमर भी चलती है, जैसे कि बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पर अजमेर और पुष्कर के बीच में जगह, जैसा कि आप यहाँ पर मैं आपको सुन करके दिखाता हूँ। देखिए वहाँ पे स्टीमर चल रही है, यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ से पूरी सिटी के बीच में आई गैस अजमेर के बीच में तो यहाँ पर ज़रूर आए घूमने। सो गाइस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, बस यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो लेंस पे आ जाए, इसलिए अब हम बस निकलने वाले हैं यहाँ से और अब हम डायरेक्ट पुष्कर में रुकेंगे। एक बार फिर से व्यू देखिए आप यहाँ इस पूरे आइलैंड का, ये यहाँ पर एक आइलैंड है, बहुत ही सुंदर जगह है, ऐसी जगह पुष्कर के मंदिर पहुंच गया। और जैसा कि आप हालत से देख सकते हो कि बहुत गीला हो गया हूँ, कैमरा भी इसीलिए अंदर रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा सीन था जब हम अजमेर से यहाँ आए हैं, हमने भैया के ऐसे बता दिया। तो भैया कुछ मंदिर के बारे में, मंदिर भैया पुष्कर का फेमस मंदिर है, वर्ल्ड का एक ही मंदिर है, हर मंदिर आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर में आपको बोले पुष्कर मिलेगा। पुष्कर सरोवर है आगे, वहाँ पुष्कर में यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और यहाँ उनकी दो पत्नी हैं सावित्री गायत्री, एक पहाड़ी पर मंदिर है और एक इनके साथ बेटे जुड़े थे। तो ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? पूजा इनको इनकी पहली पत्नी श्राप दिया था इनको,
ये यज्ञ के अंदर उनकी पत्नी लेट हो गई तो उसने उस पत्नी की जगह किसी और को बैठा लिया, तो उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया था आपकी पूजा नहीं होगी और आपका मंदिर एक ही जगह रहेगा, इसलिए ये मंदिर यहाँ पर एक ही मंदिर है, उनकी पूजा भी नहीं होती यहाँ पर, ओली ये पट्टा फिरता है अगर पूजा नहीं होती दान दक्षिणा पूजा अर्चना कुछ होता मंदिर में ओली फिर पट्टा फिरता है मंदिर में। आपको नाम प्रताप सिंह, प्रताप सिंह भैया का नाम है, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। चलिए मंदिर के अंदर आपको दर्शन करें। ओके सर, थैंक यू। अलग चीज़ है ना। सो गाइस अभी हम मंदिर के बाहर आ गए हैं अंदर। एक्चुअली मंदिर में कैमरा या फोन अलाउ नहीं थे तो मंदिर को शूट नहीं करता है, पर आप सामने देख सकते हो वो मंदिर है अंदर, कुबेर जी भगवान का वो था, भगवान ब्रह्मा का था, बहुत अच्छा मंदिर था, काफ़ी अच्छा, मतलब पूरे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ये मंदिर। तो आप अगर पुष्कर आओ तो यहाँ पर ज़रूर आओ। अभी मैं क्या भी हो सकता है रिकॉर्डिंग में थोड़ा फर्क है क्योंकि कैमरा अंदर रखा है, हम कैमरा बाहर निकाल नहीं सकते, बारिश हो रही है सीजन वजह से। तो आई होप कि अब आपको मैं वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। जब हम नीचे जा रहे थे बहुत ही सुंदर व्यू था, पहाड़ के बीच से ये रास्ता आया, तो ये जगह तो मस्ट वॉच है अगर आप राजस्थान आ रहे हो तो। बाय बाय।